धर्म की तरफ जाने का ज्ञान देना ही संप्रदाय है। ये बात मोहन भागवत, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक हैं, उन्होंने कही हैं। भागवत ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में माल रोड पर श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण पंथी काफी पुराना संप्रदाय है और धर्म की तरफ जाने का ज्ञान देना ही संप्रदाय है। आरएसएस भी ऐसा ही करता है, कर्म पर जोर देते हुए और धर्म का कार्य करने वालों का सम्मान आरएसएस करता है। हम कर्म के आधार पर धर्म की तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं और संघ का ध्येय कर्म ज्ञान और अनुशासन है। श्रीमद् भागवत गीता भी निष्काम कर्म का उपदेश देती है। धर्म की तरफ जाने ज्ञान देना ही संप्रदाय है। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में माल रोड पर श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्णी पंथ काफी पुराना संप्रदाय है और धर्म की तरफ जाने का ज्ञान देना ही संप्रदाय है। आरएसएस भी ऐसा ही करता है, कर्म पर जोर देते हुए और धर्म का कार्य करने वालों का सम्मान करता है। हम कर्म के आधार पर धर्म की तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं और संघ का ध्येय कर्म ज्ञान व अनुशासन है। श्रीमद् भागवत गीता भी निष्काम कर्म का उपदेश देती है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार श्री कृष्णी पंथ को मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अब दुनिया का हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया भी बदल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने सोलन के माल रोड स्थित कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उनके यहां पहुंचने पर सोलन पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अच्छे से जो है वो सभी उस स्थान के असभ्य सभ्य भी है और इसलिए और तीसरी बात है प्रेम का। प्रेम क्या नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में समय बहुत किल्लत थी, एक प्रवास बीच में बंद करके इधर आके फिर से उधर जाने वाला, लेकिन अब क्या करें, जो आपस का प्रेम है ना सबका, उसकी बहुत ताकत है। ऐसा कहा है, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश हो जाहु निरंतर ध्यावि, जाहि अनादि अखंड अछेद अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावि। कहा का वर्णन है, इतना वो कठिन है। नारद से शुक्र व्यास भट्टे बची हारी थके उन्हीं पार न पावे, ऐसा है। ताई रही रखी छोड़ लिया सचिया सारे सके नाच रचा, तो वाद वाला ये उस पर ब्रह्म को श्री कृष्ण को कटोरी भर छाछ की लाल दे के नाच नचाती थी, जो व्यास और शुकाजी को भी पल्ले नहीं था। ये तात्पर्य है, भगवान ने कहा है कि प्रेम से सारे काम करो, निष्काम होकर काम करो। ये दुनिया ऐसी है कि सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं हो, और इच्छाएं पूरी न होने के कारण मंदी विकार आते हैं, कभी क्रोध आता है, कभी दुख होता है, कभी कुछ होता है, और उसमें उलझते उलझते हम अपने जन्म को जो हमको उस साधन के लिए मिला है उसको शरीर मन बुद्धि के पीछे लगाकर व्यर्थ करते हैं। इसमें से तो जाना ही पड़ेगा, सुख दुख सामने आएगा, परंतु इसमें जो कर्तव्य है उसको पहचानो, वो करो, हम किया करो और कर गए, इसीलिए तुम्हें मिल जाएगा। अपने कर्मों के ही पुष्प बनाकर तुम्हें विचल कर दो। ये संभव कैसे है? ये सब संभव तब होता है जब हृदय में प्रेम। अब मैं जब से आ रहा हूं तब से मैं जहां कहा हमारे महानुभाव पंथी बंधुओं में प्रेमी के ग्राम आया भी, कैसे हमारे प्रांत संघ चालक भी इसी
उनका व्यवहार देखिए मुझे लगा और उन्होंने आपको बताया तो उनको पता कि जाना चाहिए क्योंकि इतना प्रेम है और सैकड़ों वर्षों से अलग है ऐसा क्यों है क्योंकि एक ही समाज के हैं संप्रदाय अलग है भाषा अलग है प्रांत अलग है कुछ भी है लेकिन एक देश के एक धर्मप्राण देश के जो दुनिया का अकेला धर्मप्राण देश है सारी दुनिया से धर्म देना जिसका काम है उसके हम सब लोग हैं भारत माता के पुत्र हैं सत्य पर आधारित धर्म और धर्म पर आधारित संस्कृति हम सब की है तो हम अलगियों में हमको मिलना चाहिए और मिलने जुलने से आपकी आत्मीयता और बढ़ती है और आत्मीयता के चक्कर में ऐसे उल्टे सीधे काम हम लोगों को करने पड़ते आपको भी करने पड़ते तो ऐसा एक काम मैंने किया है बाकी जो मेरे बारे में कहा गया है वो आप सब भूल गए क्योंकि मेरे बारे में जो कहा गया है ना वो हमारे संघ में अनेक लोगों पर लागू पड़ता है और यहाँ श्रीपंथ महानुभाव पंथियों में भी अनेक लोगों पर लागू पड़ता है विशेषकर क्या सर्वस्व त्यागी संन्यासी जीवन जीने वाले और ज्ञान प्रदान करने वाले लोग है वहां को ये सब जो मेरे बारे में कहा गया है उसकी कोई महत्ता नहीं और इसलिए नम्रता पूर्वक मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता अर्पण करता हूं कि इस बहुत अच्छे प्रसंग में एक मंदिर में इतनी पवित्र आत्माओं के साथ कुछ क्षण बिताने का आपने मुझे अवसर दिया। कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद।